न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वशिम जिले में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। बता दें आपको कि आज 16 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा का 70वां आज दिन है और इस यात्रा में आज सचिन पायलट भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बुधवार को महाराष्ट्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। सचिन पायलट ने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की थी और इससे पहले मंगलवार को पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का असर विधानसभा चुनाव में नहीं बल्कि 2024 में होने वाले अगले संसदीय चुनाव में दिखाई देगा। इससे पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक आंदोलन है जिसका लाभ आने वाले दिनों में कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि राहुल गांधी लोगों पर प्रभाव छोड़ रहे हैं और कांग्रेस समर्थक के अलावा आम लोग भी यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। बता दें आपको कि भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की उम्मीदवारी के लिए दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। ट्रंप के इस फैसले से अब साफ हो गया है कि 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं दस्तावेज दाखिल करने के बाद ट्रंप ने बयान भी जारी कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका को फिर से महान और गौरवशाली बनाने के लिए मैं आज अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहा हूँ। और वहीं ट्रंप के इस ऐलान पर राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को निराश किया है। बता दें आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने 8 नवंबर को ट्वीट करते हुए कहा था कि वे 15 नवंबर को बड़ी घोषणा कर सकते हैं और करने जा रहे हैं और तभी से उन्हें इशारे से साफ कर लग रहा था कि वे 2024 में चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतरने वाले हैं। बता दें आपको कि ट्रंप की ये घोषणा अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव के लिए परिणाम के मद्देनजर की गई है। वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ट्रंप की कागजी कार्रवाई उनकी उम्मीदवारों को स्थापित करने के लिए फेडरल इलेक्शन कमेटी के पास पहुंच चुकी है और ट्रंप ने कहा कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा और शायद ही ऐसा कभी होगा। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन सबसे घटकर होगा और अमेरिका की वापसी अभी से शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे नेतृत्व में अमेरिका एक महान और गौरवशाली देश था लेकिन अब हमारा देश पतन की ओर जा रहा है। हम देश के रूप में असफल रहे। दुबग्गा के डूडा कॉलोनी में रहने वाले सूफियान ने मतांतरण का विरोध करने पर परिचित निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया और गंभीर अवस्था में निधि को ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार रात में निधि के घर वाले सूफियान के यहाँ पर शिकायत करने पहुंचे थे। आरोप है कि काफी दिन से सूफियान निधि को परेशान कर रहा था और आरोपित ने निधि को एक मोबाइल फोन भी दिया था। परिवारजन ने भी निधि से फोन के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि सूफियान उसे अक्सर छेड़छाड़ करता है और आरोपित ने ही निधि को जबरन फोन दिया था और मतांतरण का दबाव भी बना रहा था। और मामले की जानकारी पाकर निधि के घर वाले उसे लेकर सूफियान के ब्लॉक नंबर 40 में मौजूद फ्लैट पर पहुंचे। घर वाले ने सूफियान की हरकतों का विरोध किया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और इसके बाद सूफियान निधि को लेकर चौथे तल के तले पर ही छत पर पहुंच गया और निधि की मां लक्ष्मी गुप्ता का आरोप है कि सूफियान ने उनकी बेटी को चौथे तले से फेंक दिया और चीख पुकार सुनकर लहूलुहान निधि को उसके घर वाले ट्रामा सेंटर लेकर गए जहां उसकी मौत हो गई। और इस बीच सूफियान घर से फरार हो गया और ADCP चिंजीव नाथ सिन्हा ने बताया है कि घटनास्थल पर छानबीन की जा रही है।
पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और लगातार गिर रहे तापमान के चलते मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ने दिख रही है और देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्य में भी अब कोहरे ने दस्तक दे दी है और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक आ पहुंचा है। वहीं हिमाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर में बर्फबारी होते दिख रही है और दिल्ली के ही मौसम पर नजर डालें तो आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक दर्ज हो सकता है। राजधानी में सुबह के वक्त कोहरा और हल्की धुंध भी देखी जा सकती है। वहीं वायु गुणवत्ता 300 के पार दर्ज होने के अनुमान है। दरअसल पंजाब में ही पिछले 2 दिन से पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी होने के बीच मंगलवार को दिल्ली की वायु जो है उसकी गुणवत्ता में सुधार आया है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 घंटे की औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो मंगलवार को 227 दर्ज किया गया तो सोमवार को 294 था और स्काईमेट वेदर के जाहिर अनुसार मुताबिक उनके बताया जा रहा है कि केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड समेत हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार है और अगले 4 से 5 दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत दिल्ली में ठंड के बढ़ने का भी पूर्ण अनुमान है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर शहर विधानसभा 37 में चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। नामांकन प्रक्रिया से लेकर नाम वापसी तक की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी घोषित करने के बाद स्थानीय बीजेपी कार्यालय में हलचल तेज देखने को मिल रही है। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल रामपुर पहुंचे और जहां पर उन्होंने पार्टी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के नाम की घोषणा की तो वहीं मीडिया से रूबरू होकर उपचुनाव जीतने के लिए की गई पार्टी की तैयारियों के सामने रखा और बेनीवाल ने आजम खान पर जमकर निशाना भी साधा तो वहीं इस उपचुनाव में कमल खिलाने को लेकर आश्वस्त भी नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले आभार व्यक्त करता हूं और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस बार यहां भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और यहां ऐतिहासिक विजय होगी। देखिए, आजम चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब रामपुर में सिर्फ रोजगार की बात होगी, विकास की बात होगी और सिर्फ विकास की बात होगी। यूपी में एक और जहां मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं वहीं हरदोई में जिला अधिकारी कार्यालय में आए दिन फरियादियों की पुलिस के हवाले करके थाने भी भेजा जा रहा है। ऐसा एक मामला मंगलवार को सामने आया है। दरअसल मंगलवार को जिला अधिकारी के कार्यालय में फरियाद लेकर आए फरियादियों ने जब जिला अधिकारी से मिलना चाहा तो वहां पर बैठे हैं नगर मजिस्ट्रेट ने डीएम से मिलने से मना कर दिया। जब किसान डीएम से मिलने के लिए जिद करने पर लगे तब आग बबूला हुए और नगर में शेर ने कोतवाली से पुलिस बुलाकर थाने भिजवा दिया। हरदोई से संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि किसान को थाने भेजा गया है, पूरा मामला क्या है, अपडेट से विस्तार से बताइए। जी, आपको बताना चाहूंगा, जहां मुख्यमंत्री खुद जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं वहीं हरदोई में जिलाधिकारी कार्यालय में फरियाद लेकर एक किसान आया जिसको अधिकारियों ने थाने भिजवा दिया। दरअसल जिलाधिकारी के कार्यालय में फरियाद लेकर फरियादी ने जब जिलाधिकारी से मिलना चाहा वहां पर बैठे नगर मजिस्ट्रेट ने डीएम से मिलने से मना कर दिया। जब किसान डीएम से मिलने के लिए जिद पर आ गया, आग बबूला हो गया तो मजिस्ट्रेट ने उसको थाने भिजवा दिया। जी, क्या कारण रहा, इसके पीछे कुछ साफ हो पाया है और लोगों की नाराजगी किस कदर नजर आ रही है यहाँ पर? जी, बताना चाहूंगा, उसका जमीन का विवाद चल रहा था जो उसने अधिकतर लगा के तहसील से लेकर और जिला मुख्यालय तक अपनी जो है फरियाद लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था उसका।
जिसके चलते कल वो फिर डीएम के पास फरियाद लेकर आया, मगर डीएम चूंकि मिल नहीं पाए तो सिटी मजिस्ट्रेट ने उसको थाने भिजवा दिया। जी जी, आगे की क्या अपडेट है इसमें, अभी आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है? हालांकि फरियादी को छोड़ दिया गया है, लेकिन अधिकारी जो है आश्वासन दे रहे हैं कि उसका जो भी उसका काम है वो किया जाएगा। आप देखने वाली बात होगी कि उसका काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जी आसे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव उनके राजनीतिक गुरु हैं और नेताजी की आत्मा ने ही उन्हें बीजेपी से टिकट दिलवाया है और शिवपाल यादव समेत मुलायम परिवार के हर बुजुर्ग का आशीर्वाद उनके साथ है। उन्होंने कहा कि नेताजी उनके गुरु थे और उनकी राजनीतिक विरासत को वो संभालेंगे। पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम को, राष्ट्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व को बहुत बधाई दूंगा। कम से कम अब मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से मुझ पर विश्वास करने का काम किया और मैनपुरी जनता के लिए एक सेवक के रूप में भेजने का काम करना और मुझे टिकट देने का काम किया है। खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता को जान का खतरा बताया जा रहा है। दरअसल लोहिया वाहिनी प्रसपा के ही प्रदेश अध्यक्ष ने जान का खतरा बताया है। वहीं मोहम्मद आलिम खान ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। हरियाणा के गैंगस्टर ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। बता दें आपको कि गैंगस्टर ने प्रसपा नेता पर धर्म को लेकर जातिगण टिप्पणी भी की थी और बीते विधानसभा चुनाव में 290 विस श्रावस्ती से प्रसपा के प्रत्याशी मोहम्मद आलिम भी थे। आपको बता दें कि श्रावस्ती से खबर है जहां पर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रसपा लोहिया वाहिनी प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष को ने जान का खतरा अपने ऊपर जता दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें श्रावस्ती से, जहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता को जान का खतरा बताया जा रहा है। दरअसल लोहिया वाहिनी प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जान का खतरा बताया है और मोहम्मद आलिम खान ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। हरियाणा के गैंगस्टर ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। बताते चले आपको कि गैंगस्टर ने प्रसपा नेता पर धर्म को लेकर जातिगण टिप्पणी भी की थी और बीते विधानसभा चुनाव में 290 विस श्रावस्ती से प्रसपा के प्रत्याशी मोहम्मद आलिम भी थे। पहले मेरी 30 जून को जो है घटना हुई थी सरोजनी नगर थाने के अंतर्गत पुलिस चौकी हैडिल पे। अच्छा, उसी के अपोजिट में उसमें कोई कार्रवाई हुई सरोजनी नगर में? कोई कार्रवाई नहीं हुई है और चोर भी नहीं पकड़ा गया है। और उसके बाद कई बार धमकी भरे फोन आए, मैंने रात को बताया भी एसएसपी साहब को, तो उन्होंने इग्नोर किया उसको। और आज एक बहुत ज्यादा एकदम धमकी भरा कि एकदम उठवा लेंगे। और इसी खबर पर श्रावस्ती से संवाददाता सूर्य प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, जिस तरह से मामला सामने आया, प्रसपा नेता ने अपनी जान का खतरा जता दिया है। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मामला यूपी के महानगर लखनऊ के सरोजनी नगर का बताया जा रहा है। यहाँ पे जो प्रसपा के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आलिम खान है, उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक हरियाणा के रहने वाले गैंगस्टर ने उनको फोन कॉल करके धमकी दी है और अब किया, जिसके संबंध में उन्होंने सरोजनी नगर थाने में तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है और सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की है। जी सूर्य प्रकाश, जिस तरह से बताया जा रहा है कि नेता पर हमले की बात हो रही है, तो इसको लेकर कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, अभी क्या कार्रवाई हो पाई है इस पर? नहीं, अभी तो उन्होंने तहरीर दी है, तहरीर देने के बाद कार्रवाई का उन्होंने डिमांड की है पुलिस प्रशासन से। देखना होगा कि आगे उनको सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या निर्णय किया गया है। उन्होंने आलिम खान ने बताया कि एक बड़े मंगलवार को उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम किया था, जिसके आधार पर उन्हें लगातार 2 या 3 दिनों से लगातार उनको धमकी दी गई है और फोन कॉल कर बताया गया है कि आप
उनके साथ गाली गलौज भी की गई है फोन कॉल के माध्यम से, जो और उन्होंने जो जिसने फोन कॉल की उन्होंने बताया कि मैं हरियाणा के गुरुग्राम का एक गैंगस्टर बता रहा हूँ, ये भी आरोप लगाया है आलिम खान ने। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सूर्या और अपडेट देने के लिए। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति का जनपद बस्ती में प्रांतीय अध्यक्ष सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश ने ही नलकूप खंड बस्ती के अधिकांशी अभियंता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नलकूप विभाग की पोल खोल कर रख दी है। बता दें आपको कि सरकार द्वारा किसानों की फ्री सिंचाई योजना के तहत बस्ती जनपद में 629 नलकूप संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा केवल कागजों के सीमित नजर आ रहा है और जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। आधे से ज्यादा नलकूप बंद पड़े हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नलकूप चल रहे हैं और उससे 2-4 किसानों की सिंचाई होती है और 90% नलकूप की नालियां जो टूटी पड़ी हैं। वहीं इस संबंध में नलकूप विभाग के अधियाशी अभियंता संत लाल ने कहा है कि मेंटेनेंस कार्य का कार्य जो है वो लगातार जारी है, नलकूप बंद पड़े हैं उनकी मेंटेनेंस का जो चालू कराए जाएंगे और वहीं बस्ती जिलाधिकारी इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की है। तो टोटल हमारे यहाँ संचालित हैं जो 629 नलकूप नए और बंद कितने पड़े हैं? बंद जो हमारा ये जो इस समय जो 8 नलकूप हमारे इसे मतलब इसे यांत्रिक से बंद हैं और कितना है 9 इसे विद्युत से बंद। अच्छा जो एक समय मतलब 2 या 3 दिन के अंदर हम चालू करा रहे हैं। मेंटेनेंस में कितना खर्च आता है, क्या है मेंटेनेंस, कितने का मेंटेनेंस करा गया, कितने नलकूप चल रहे हैं? एनुअल मेंटेनेंस के लिए हमारे लगभग 38,000 एनुअली मिलता है एक नलकूप के लिए। देखा गया है काफी नलकूप जिसमें बड़ी बड़ी झाड़ियां हुई हैं, सफाई काम चल रहा है उसको जो चिन्हित करके सफाई काम करा दिया जाता है। और इसी खबर पर बस्ती से संवाददाता पारसनाथ मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारसनाथ, इस खबर पर पूरी अपडेट दीजिए, नलकूप विभाग की पोल खुली। जी ये नलकूप विभाग का मामला है, ये जो सरकार जो है ये किसानों को फ्री सिंचाई के लिए ये नलकूप लगाती है, गांव-गांव तमाम जिले में लगभग 629 नलकूप लगे हुए हैं और सरकार इस नलकूप से किसानों की सिंचाई के लिए लगभग हर साल इसमें मेंटेनेंस के लिए अलग अलग पैसे देती है कि सिंचाई के लिए जो भी सिंचाई के साधन है जैसे उसके नाली है और जो बिल्डिंग है उसका रख रखाव, बोरिंग जो है उसकी रख रखाव के लिए जो है हर साल जो है ये लगभग करोड़ों रुपया जिले को देते हैं। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी है उनकी उदासीनता के कारण जो यहाँ के नलकूप है ज्यादातर नलकूप बंद पड़े हैं, कहीं बिजली की समस्या से बंद पड़े हैं तो कहीं सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जो है वो इसके जो नाले बने हुए हैं वो नहीं ठीक है तो कहीं झाल झंखाड़ है तो कहीं के कुछ समस्या है, इस तरह से तमाम समस्याएं हैं और जिसको लेकर के यहाँ के जो कर्मचारी है वो उदासीन है, एकदम से पूरी तरह से उदासीन है। जो यहाँ के जो नलकूप से जो भी किसान सिंचाई करते हैं वो किसान खुद मेहनत करके जब उस नाले को और जो भी पानी जाने के लिए रास्ते हैं तो उसको जब साफ करते हैं सब कुछ पानी ले जाते हैं और वही नलकूप के आसपास ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 किसान ही इससे सिंचाई कर पाते हैं क्योंकि पूरी नाली जो है पूरी भर पड़ी है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के जब यहाँ के जो ये कर्मचारियों का जो संगठन है, इन लोगों का जो संगठन है, संगठन के कर्मचारी नेता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है रख रखाव के लिए पैसा देती है लेकिन हम लोग जो ट्यूबवेल चलाते हैं तो वहाँ तो ना ये अधिकारी कहते हैं कि काम हो जाएगा लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं करवाते हैं, सारा काम जो है वो किसान को खुद करना पड़ता है, वो सारे पैसे जो है वो बंदर बात कर लेते हैं। इस पूरे मामले में सिर्फ जो भी घोटाले या जो भी इसमें भ्रष्टाचार का मामला है सीधे इनके कर्मचारी ही इसको उजागर कर रहे हैं और जनता को ये मालूम ही नहीं है कि कितना रख रखाव के लिए पैसा आता है। जनता सिर्फ अपने खेत की सिंचाई के लिए जो है बार बार कहती है लेकिन फिर भी उसका कोई समाधान नहीं हो पाता है। जी पारसनाथ, जिस तरह से बता रहे हैं आप कि यहाँ पर लोगों की समस्याएं काफी ज्यादा है तो लोगों का क्या कुछ कहना है कि जल्दी समाधान चाहते हैं वो इस समस्या से?
जी लोगों को कहना तो है कि वो समाधान चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि फ्री में सिंचाई हो, अपना ट्यूबवेल ना चलाना पड़ा। अपना ट्यूबवेल जब चलाते हैं किसान तो उसमें ज्यादा अर्निंग होती है और सरकार फ्री में सिंचाई के लिए साधन मुहैया कराती है। लेकिन यहाँ किसानों को ये तो नहीं मालूम था कि इसके मेंटेनेंस का पैसा आता है, इसलिए किसान अभी तक तो जो चुप थे। लेकिन जब ये मामला उजागर हो गया कि इसके लिए मेंटेनेंस के लिए तमाम पैसा आता है जो मेंटेनेंस कराया जा सकता है, इसको लेकर किसान भी यहां के बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। बीजेपी के सांसद साध्वी प्रज्ञा के सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया गया है और भागवताचार्य ने ही घर में घुसने का लगाया आरोप है। और आपको बता दें कि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोती झील इलाके में मौजूद भूरीवाला आश्रम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आश्रम के स्वामित्व ने लड़ाई को लेकर करीब 1 महीने पूर्व स्वामी कृष्णानंद और स्वामी दर्शनानंद के बीच हिंसक विवाद हुआ था, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए थे और पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की तरफ से नामजद मुकदमे दर्ज कराए गए थे। वहीं एक बार फिर से विवादित आश्रम में उस समय चर्चाओं में आ गया जब आश्रम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विवादित बयान को लेकर आश्रम पहुंची। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे निरंतर गालियों की बौछार मेरे ऊपर की जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ ये माहौल सब क्यों है। यहाँ मैं दर्शन करने के लिए आई और सूचना देते हुए आई हूँ, और जब मैं यहाँ आई और वहाँ से निकल रही थी तो वो व्यक्ति जिसका नाम मुझे बाद में जानकारी लगी कोई नागेंद्र करके है, उसकी पत्नी मेरी गाड़ी वहाँ फंसी, उसकी गाड़ी एक तरफ खड़ी है, रेत एक जगह पड़ी हुई है उसके ठीक बाजू में, तो गाड़ी को निकलने को मेरी जगह नहीं थी। जब गाड़ी निकली तो उसमें कोई बायर पड़ा हुआ था, वो बायर हमारी गाड़ी में फंसा, हमारे लोग गाड़ी निकालने लगे और आपस में जो चर्चा कर रहे थे उसमें लगा कि आखिर गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी, कौन है जिसकी गाड़ी खड़ी है यहाँ। तो आपस में ही किसी ने कहा कि ये बाजू में, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी भी थी साथ में, इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा ये बाजू वाले का होगा। हम लोग ये चर्चा, मैं गाड़ी में बैठी थी और इस तरह से ये लोग गाड़ी निकाली और आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले तो महिला ही गाली गलौज करने लगी, तो मुझे लगा किसी को दे रही होगी, कोई तो कारण होगा कुछ, कहाँ लड़ाई झगड़ा क्यों होने लगा। पर वो महिला तो लगातार बुरी तरह से गालियाँ देती रही, और जब मेरा नाम लेके उसने गालियाँ दी कि सांसद आ गई हैं तो यहाँ गुंडागर्दी करेंगी, तो इस तरह से, तो मुझे समझ में आया कि ये मुझे मेरे लिए बोल रही है। कुछ कहते बिना कुछ कहे हुए हम आश्रम में आए। मैंने ऐसे चुप यहाँ इसको बुलाया, चौकी इंचार्ज यादव को, मैंने कहा कि इस प्रकार से वो अभद्र गालियाँ दे रही है, ऐसा क्यों है। भाई मुझे कोई लेना देना नहीं था, मैं तो आई हूँ बस दर्शन करने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता पिंटू जुड़ चुके हैं। पिंटू, जिस तरह से मामला सामने आया है साध्वी प्रज्ञा का, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी मैं आपको बता दूं, बीजेपी के सांसद प्रज्ञा ठाकुर वृंदावन पहुंची थी वही वाला आश्रम में, और आश्रम के जो मालिक है प्रवक्ता नागेंद्र जी महाराज जी के पक्ष में पहुंची थी। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में आमने सामने विवाद हो गया और उसने दोनों पक्षों को मुकदमा दर्ज कर लिया। जी जी, अभी तक कोई इसमें बयानबाजी किसी के सामने आ पाई है पिंटू? जी बयानबाजी दोनों पक्षों में चल रही है और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है और पूछताछ लगी हुई है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दोनों टीम गठित कर दी इसमें और इसमें जांच चल रही है। जी पिंटू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में थाना एकदिल क्षेत्र के ही अंतर्गत संतोषपुर घाट पर मंगलवार देर शाम सरकारी विद्यालय में तैनात ही महिला अध्यापक को गोली से भूनने के बाद महिला अध्यापक के पुरुष मित्र वकील ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला अध्यापक को इलाज के लिए निजी अस्पताल
में भर्ती करवाया था। आपको बता दें कि मृतक वकील के शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल पर निरीक्षण कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गोली लगने से घायल हुई महिला अध्यापक अभिलाषा यादव के भाई अधिवक्ता सुबोध यादव ने बताया है कि उनकी बहन अभिलाषा यादव जुगरामऊ इलाके के प्राइमरी विद्यालय में हेडमास्टर के तौर पर रोजाना की तरह ड्यूटी पर विद्यालय से वापस आ रही थी और तभी थाना बरहेल क्षेत्र के ही अंतर्गत अभिनयपुर गांव के निवासी सुधीर यादव ने उनकी बहन को पुरानी जान पहचान होने का हवाला देते हुए उनके घर छोड़ने का आश्वासन दिया, अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसी ने उनकी बहन को जान से मारने की नीयत से गोलियां मार दी और उनकी बहन अभिलाषा गंभीर रूप से घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती है। मामला तो गोली तो लगी है और टोटल इसको 6 फायर लगे हैं। कितने फायर हुए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसको लोग उसको 6 फायर लगे हैं और जो दोनों हाथों में, छाती में, गर्दन में और पीठ के ऊपरी भाग में लगे हैं। और इसी खबर पर इटावा से संवाददाता रोहित सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, पूरा आत्महत्या करने की कोशिश इसमें की गई है, मतलब गोली चलाई गई है, पूरा मामला क्या है, कुछ विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको ये बता दूं, ये महिला अध्यापक है जो कि प्राइमरी स्कूल में ये हेडमास्टर तैनात थी और रोज की भांति जो है अपने विद्यालय से लौट कर यहाँ अपने घर वापस आ रही थी। तभी जो है इनके पुराने साथी जो इनके जान परिचय के हैं, जो वकील हैं पेशे से, और वो इनको जो है मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की बात करते हैं और इनको अपनी बाइक पर बैठा लेते हैं, जिसके बाद आज संतोषपुर घाट के पास आकर वह जो है किसी बात को लेकर कहासुनी होती इन दोनों के बीच में और वो अपनी सरकार लाइसेंसी रिवॉल्वर से जो है इनके शरीर में 6 से ज्यादा गोलियां मार देते हैं और उसके बाद खुद को भी जो है जान गोली मारकर खुद आत्महत्या कर लेते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। क्योंकि महिला की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और अभी कुछ भी वो बोलने बताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए पुलिस अभी जो है प्रथम दृष्टया इसको जो है प्रेम प्रसंग के मामले से जोड़कर चल रही है कि इन दोनों में पहले से कोई जो है कनेक्टिविटी रही होगी और उसके बाद किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसने जो है इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं जो महिला है, महिला के परिजनों का कहना है कि सुधीर यादव अधिवक्ता के साथ साथ जो है एक बीमा कंपनी में एजेंट के तौर पर काम करते थे और उनकी पॉलिसी को लेकर कोई विवाद इनके साथ हुआ था, जिसकी रंजित आज इन्होंने जो है उनकी बहन की गोली मारकर हत्या करने के इरादे से गोलियां मारी हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि जो है वो बच गई। और इतने बड़े जघन्य कांड को अंजाम देने के बाद वह घबरा गया और उसने जो है खुद को गोली मारकर अब आत्महत्या कर ली। जी जी रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। खदौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने पत्ते खोल दिए हैं और जिसमें बीजेपी ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया है, मगर राजकुमारी सैनी के सामने चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोकदल के घोषित प्रत्याशी मदन भैया की मुसीबत इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि रालोद उम्मीदवार मदन भैया को बाहरी प्रत्याशी बताकर उसका विरोध होना शुरू हो गया है और जिसके चलते खतौली में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी ने उन्हें बाहरी प्रत्याशी बताते हुए उनका विरोध करने की बात कही है। देखिए, समाज के सब जिम्मेदार लोगों का जो निर्णय है कि इसमें क्या करना था, हम लोगों को करना क्या है, तो ऐसे तो हम लोगों को टिकट कटते रहेंगे और यहाँ पे बाहर के लोग चुनाव लड़ते रहेंगे, तो जो समाज के सब समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित थे, सब समाज के लोगों ने जो निर्णय लिया है वो आपको समाज की तरफ से पता लगा होगा। भी समाज ने अभी जो निर्णय लिया है कि शाम को 8 बजे तक का समय दिया है कि या तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व है विचार करे, अन्यथा तो समाज अपना विचार करेगा। इटावा में मुलायम सिंह के समाधि स्थल रघुराज सिंह शाक्य पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद लिया है। भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी संसदीय सीट के उम्मीदवार रघुराज सिंह ने शाक्य नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया है और रघुराज
सिंह ने ही शाकिब पहले ये बात बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट नेहरा जी के आशीर्वाद से मिला है और चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का भी आशीर्वाद उन्हें मिला है। और इसी खबर पर हमारे साथ इटावा से संवाददाता रोहित सिंह चौहान फिर से जुड़ चुके हैं। रोहित सिंह, जिस तरह से खबर सामने आई है कि श्रद्धांजलि अर्पित कर आशीर्वाद भी लिया गया है, उसी के साथ उन्हें कहा गया है कि मुलायम सिंह ने ही उन्हें टिकट दिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं मैनपुरी लोकसभा सीट पर चूंकि नेताजी के निधन के बाद जो है यह सीट पर उपचुनाव होना है और यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से ही पूर्व में 2 बार के सांसद और 1 बार के विधायक रह चुके रघुराज सिंह साक्ष को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। रघुराज सिंह साक्ष जो है एक तरफ दावा करते हैं कि मुलायम सिंह यादव उनके राजनीतिक गुरु थे, इसी के चलते आज उन्होंने नामांकन से पूर्व मैनपुरी जाने से पहले सैफई में जाकर मुलायम सिंह के पैतृक गाँव सैफई में जाकर उनकी समाधि स्थल पर जाकर उनको नमन किया और उनको श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जो है यहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर मैनपुरी मुख्यालय में नामांकन करने के लिए रवाना हुए हैं। जी जी रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।